नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसे पूरा करने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते 4 दिन से चल रही वेबिनार श्रृंखला में विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार मंत्री समूह गठित करेगी, जो 25 अगस्त तक अपना ड्राफ्ट सरकार को देगी। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। मंगलवार शाम 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। रात 10:45 में इंदौर स्थित छोटी खजरानी मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। यहां कोरोना काल की एक ऐसी त्रासदी देखने को मिली, जिन राहत इंदौरी को सुनने भीड़ उमड़ती थी, उनकी अंतिम यात्रा में 30 लोग ही मौजूद रह पाए। उनमें भी आधे पीपी किट पहनकर कब्रिस्तान के भीतर पहुंचे। राहत को रात में सुपुर्द खाक करने की जैसे ही MIG पुलिस को जानकारी मिली, रात 8 बजे से मस्जिद और आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। कुछ देर बाद MPEB की गाड़ी में कब्रिस्तान के आसपास लाइटिंग की। CSP ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। थाना प्रभारी भी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस जवानों के साथ ही भीतर जाने वाले सभी लोगों को PPE किट पहनाया गया। राहत साहब के चाहने वाले 100 से ज्यादा लोग मस्जिद के आसपास मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते लोग जन्मोत्सव अपने अपने घरों में मना रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब मंदिरों में पूजा आरती के समय श्रद्धालु सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहकर भगवान के दर्शन करेंगे। सीमित संख्या में पुजारी व पंडित ही भगवान का अभिषेक पूजा करेंगे। रात 12 बजे जन्मोत्सव आरती होगी और इसके साथ जयकारे व बधाई गीत गूंजने लगेंगे। जन्मोत्सव के समय माखन मिश्री और पंजीरी का प्रसाद बांटा जाएगा। कांग्रेस 27 विधानसभाओं के उपचुनावों में भाजपा को शिकस्त देने के लिए पहली बार नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। इसमें खास यह है कि भाजपा के पैटर्न पर कांग्रेस भी 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बना रही है, यानी प्रत्येक विधानसभा में 15,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इस तरह उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जा रहे हैं। इन्हें वोटर लिस्ट के पन्ने का इंचार्ज कहा जाएगा। इनकी जवाबदारी होगी कि वह मतदाता सूची पर ध्यान रखे, उसके पन्ने में कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें और उसे ठीक करवाएं। इसके अलावा मतदाताओं से संपर्क भी स्थापित करें। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एसोसिएशन की हड़ताल के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वास्तु स्थिति से अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एसोसिएशन की हड़ताल के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। परिवहन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा ट्रक मालिकों को एक मुश्त लाइफ टाइम टैक्स जमा कराने के विरुद्ध ट्रक एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया था। इस बीच 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। इसके चलते मंडीदीप में ग्रेफाइट बनाने का कच्चा मटेरियल, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज में लोहा सरिया सीमेंट व भेल को सप्लाई की जाने वाली लोहे की मोटी चादरें नहीं पहुंच सकी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग के मुलताई नाके पर पहुंचकर ट्रकों के हॉर्न बजाते हुए प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से हड़ताली ट्रक संचालकों व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा में मांगे नहीं मानी गई तो बुधवार को हड़ताल को आगे बढ़ाने व चक्का जाम आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विधानसभा में आयोजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कहा है कि भोपाल में क्वारंटाइन सेंटर से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। मैनेट में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में संक्रमितों की दैनिक जरूरतों का ध्यान रखा जाए। विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि नवीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में सफाई को लेकर भी समस्या है। बैठक में प्रोटेम स्पीकर और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल में जिन होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया है उनके रेट बहुत ज्यादा है। आम दिनों की तरह यहां किराया नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यहां कोई शौकिया नहीं आता। बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया, DIG इरशाद वली उपस्थित थे। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गाँव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस समय शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला उस समय कोरोना संकट के चलते विकट स्थिति थी। महामारी का प्रदेश में प्रसार हो रहा था और उससे लड़ने की व्यवस्थाएं नहीं थी।
लेकिन मुख्यमंत्री ने दिन रात एक कर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि अगर निजी अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव आता है तो संबंधित अस्पताल को उसका इलाज करना होगा। मरीज में अगर लक्षण नहीं आते हैं तो उसे इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया जाएगा। निजी और कोविड अस्पतालों में इस तरह से समन्वय स्थापित किया जाएगा कि संक्रमित को किसी भी दशा में परेशान न होना पड़े। भोपाल में कोरोना अनलॉक के तीसरे चरण में योग क्लास और जिम खोलने के लिए शर्तों के साथ अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन की एडवाइजरी में कहा गया है कि जिम में फ्लोर एरिया के हिसाब से व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिम संचालक अपने फ्लोर एरिया को इस तरह बांटेंगे कि प्रति व्यक्ति को 4 स्क्वायर मीटर का स्पेस मिले। अगर अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान संख्या से अधिक लोग मिले तो जिम को अधिकतम 15 दिन के लिए बंद करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों में वार्ड बनाने और इलाज की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक नए मरीज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए संक्रमितों की संख्या को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की जल्दी पहचान कर उनका इलाज किए जाने के लिए प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। रतलाम में पिछले दिनों हुई दिशा समिति की बैठक में सांसद गुमान सिंह डामो द्वारा डीईओ और डीपीसी सहित अन्य अधिकारियों ने फर्जी कहने के विरोध में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें सभी ने एक स्वर में सांसद की अमर्यादित भाषा पर क्षोभ व्यक्त किया और प्रस्ताव पारित कर सांसद के इस आचरण की निंदा की। प्रस्ताव में कहा गया कि शिक्षा विभाग प्रशासन का सबसे बड़ा विभाग है, आंकड़ों में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पर इसके लिए पूरे कार्य को और समर्पित अधिकारियों को फर्जी कहना अत्यंत आपत्तिजनक है। भविष्य में उम्मीद की जाती है कि सांसद किसी भी सार्वजनिक मंच पर अपने शब्दों और व्यवहार को मर्यादित रखेंगे, अन्यथा अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने करीब 2 साल बाद अपना एक वादा शहर की एक बेसहारा बेटी को मकान दिलाकर पूरा किया। उन्होंने अपनी ओर से हितग्राही की ओर से जमा किए जाने वाली 55,000 रुपए किश्त की राशि भी अपनी ओर से जमा करवाई। इसके बाद मंगलवार को शालू राजपूत को नगर पालिका कार्यालय बुलाकर राजीव आवास योजना के तहत उसे निःशुल्क मकान देने का प्रमाण पत्र सौंपा। राजधानी से लगे समर्था के जंगल में एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ घूमती दिखाई दी है। नजारा मंगलवार शाम 3:30 बजे के करीब का है। बाघिन कलियासौत से बुलंदर फार्म जाने वाले मार्ग से संस्कार वैली की तरफ जाने वाली सीमेंट रोड पर दिखी थी। आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ डिप्टी सेक्रेटरी लखन सिंह टेकाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सोमवार शाम उनका शव राजधानी भोपाल के बाग मुगलिया स्थित डुप्लेक्स में मिला। कुछ दिनों से पत्नी से उनकी बातचीत बंद थी। कमरे के बाहर रखी खाने की थाली नहीं उठी तो पत्नी को अनहोनी का अंदेशा हुआ। दरवाजा तोड़ा तो लखन का शव नजर आया। टेकाम जून में ही इस डुप्लेक्स में शिफ्ट हुए थे। मंगलवार दोपहर पन्ना एसपी मयंक अवस्थी को सांप ने काट लिया। घटना उस समय हुई जब एसपी घर से कार्यालय जा रहे थे और उन्होंने जूते पहनने के लिए उठाए। सांप जूते के अंदर बैठा हुआ था। इसके बाद उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। यहां उनकी हालत सामान्य है लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने को कहा है। प्रदेश के इंदौर शहर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के 50 सबसे संक्रमित शहरों की लिस्ट में इंदौर 49वें नंबर पर आ गया है। इस सप्ताह इंदौर का पॉजिटिविटी रेट 6.67% आया है, जो प्रदेश के सामान्य 2% से बहुत अधिक है। भोपाल वन विभाग की टीम ने मंगलवार शाम 9 कछुओं के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। वह भोपाल में कछुए बेचने आया था। टीम ने ग्राहक बनकर तस्कर को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से पकड़ा है। वह स्टार टर्टल का जोड़ा 17,500 रुपए में बेच रहा था। दोपहर 1 बजे विभाग ने मुखबिर की सूचना पर ईटखेड़ी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंदन तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 17 किलो चंदन के साथ पकड़ा है। जुलाई माह में निराश करने वाला मॉनसून अब मेहरबान हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के समाचार हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अब जो सिस्टम बन रहा है उसके बाद अगस्त माह में अच्छी बारिश के संकेत है। 16 अगस्त से जबरदस्त बारिश की संभावना है। प्रदेश में 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके अलावा 16 अगस्त के आसपास भी एक और शक्तिशाली कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से अगस्त माह में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के
गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।